हेलो गाइज, आई एम मेहतराम फ्रॉम नॉलेज ऑफ रॉयल इनफील्ड। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो है कि तो गाइज, जो हमारी BS4 की गाड़ी आ रही है, यानी कि जो रॉयल इनफील्ड BS4 विद ABS आ रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि उसका ना जो ABS का जो पाइप है, यानी कि जो डिस्क ब्रेक का, फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो पाइप है वो टूट जाता है। वो मैं दिखा दूँ कैसे टूट जाता है। ये देखिए, ये पाइप है और ये टूट गया। देखो, आप देख रहे होंगे, तो ये टूट गया। अब इसकी जगह पे कौन सा पाइप आपको लगाना है, क्योंकि जो नया जो पाइप है रॉयल इनफील्ड का, वो करीब 3000 रुपये के करीब है। यानी कि 3000 रुपये आपको पहले पे करना पड़ेगा, फिर वो पाइप मिलेगा। लेकिन गाइस, सेम यही पाइप मैं आपको दिखा दूँ, मैंने मंगाया है सेम यही पाइप, और उसकी कॉस्टिंग है जो वो है 1800 रुपये। तो और बिल्कुल जेन्युइन पाइप है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन पाइप है और सेम वही बिल्कुल ऐसा ही है जिससे जैसा वो है, और जो इसकी थिकनेस है वो भी सेम ऐसी है। तो गाइस, ये मैं भी इसमें एक गन मेटल ग्रे आई हुई है उसमें फिट करने वाला हूँ, क्योंकि ये पाइप बड़ी मुश्किल से मैंने पता किया और मतलब ढूंढा इसको, तो ये पाइप मिल जाएगा। और सेम जितनी इसकी लेंथ है सेम उतना ही ये पाइप है। और चलिए, मैं दिखाता हूँ वीडियो में और कैसे इसका टूटने का कारण क्या है, क्योंकि जब भी आपकी बाइक किसी गड्ढे में जाएगी तो उसके जो शॉकर है वो अपना काम करते हैं, तो उसके सस्पेंशन से ये जो पाइप है इसमें भी सस्पेंस आ जाता है, और वो पाइप धीरे 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 मुड़ मुड़ के टूटने लग जाता है। तो चलिए, अब चेंज करके दिखाता हूँ इसको, फिर इसके ब्रेक बनाते हैं और मिलता हूँ वीडियो में। तो ये देखिएगा, ये हो बाइक, अब ये 2019 मॉडल है, और ये देखिए अभी चली कितनी है, 7000 किलोमीटर चली है, और इसका पाइप क्रैक हो गया, यानी कि टूट गया। तो ये देखिए, मैं आपको पाइप दिखा दूँ, ये पाइप मैंने इसका निकाल लिया है, टूटा कैसे ये देखिए। ये थोड़ा हार्ड पाइप होता है, और जब बाइक का सस्पेंशन बनता है तो ये भी जैसे शॉकर मुड़ते हैं ऐसे ये मुड़ने लग जाता पाइप, यानी कि शॉकर जब सस्पेंशन क्रिएट करते हैं तो ये मुड़ जाते हैं। और इसका पाइप मैंने पहले ही खोल लिया, ये देखिए प्रेशर भी नहीं है बाइक में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इसको चेंज करना है। तो चलिए, इसकी टंकी वगैरह खोल लेते हैं, कैसे फिट होगा ये, क्योंकि जब टंकी खुलेगी तो ये पाइप थोड़ा जो फिटिंग होगी इसकी थोड़ी टफ़ है, ज़्यादा नहीं थोड़ी टफ़ है, क्योंकि खोल तो लेते हैं पर फिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और पाइप को कैसे मतलब बैंड नहीं होना चाहिए पाइप कहीं से, नहीं तो टूटने का डर रहता है उसका। तो उसी तरीके से इसकी फिटिंग करनी है। तो पहले इसकी टंकी उतारेंगे, उसके बाद इसका जो हमारा एयर बॉक्स है वो निकालेंगे, फिर बैटरी का जो स्टैंड है वो निकालेंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और गाइस, जब भी आप इसका ये पाइप निकालो, और अगर आपके पास पाइप उपलब्ध नहीं है, तो उसमें जो उसके जो बोल्ट निकलते हैं 12 नंबर के, उनको टाइट कर देना चाहिए। और जो हमारा ABS है, जो इसका इग्निशन होता है, उसका फ्यूज़ निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर इग्निशन का फ्यूज़ लगा रहेगा ABS इग्निशन का, तो गाइस जो इसका मॉड्यूलेटर है वो मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूलेटर कौन सा होता है, और वो थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप उसका इग्निशन का फ्यूज़ लगा के छोड़ दोगे तो आपका ABS काम करेगा, जिससे क्या है आपका जो मॉड्यूलेटर है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि जब तक पाइप ना लगे तो उसका इग्निशन बंद ही रखें ABS का। मैं बताऊँगा मॉड्यूलेटर कौन सा होता है आपको।
तो ये देखिए गाइस, ये बोल्ट मैंने ऐसे टाइट कर रखा था इसमें, और जिसमें ये बोल्ट बेंजो बोल्ट बोलते हैं इसको, और जिसमें ये टाइट हो रहा है ये आपका मॉड्यूलेटर है, यानी कि ये एबीएस की आप मोटर कह सकते हैं इसको। और ये देखिए, इसको अच्छे से साफ़ करके तभी इसमें पाइप लगाना है। ये देखिए कहाँ पे इसका जो पाइप है वो लगा रहता है, मतलब इसके लिए आपको टंकी वगैरह, फिल्टर, एयर बॉक्स वगैरह सब खोलने पड़ेंगे। और इसके ये देखिए, मोटर में हम इसका लगा देते हैं, यानी कि जो एबीएस का मॉड्यूलेटर है। और गाइस, जो ये मॉड्यूलेटर है इसकी कीमत है 27,000 रुपये, यानी कि अगर आप कई बार मॉड्यूलेटर ख़राब हो गया तो ये 27,000 रुपये का आता है। तो ये इसका बेंज बोल्ट अच्छे से टाइट करना है, साफ़ करके बिल्कुल, तभी पाइप को लगाना है। और गाइस, जब भी पाइप को चेंज करो तो एक बार उसमें ना एयर का प्रेशर मार लो, क्योंकि कई बार क्या है कि नए पाइप में भी ब्लॉकेज आ सकती है, तो अगर आप उसमें एयर का प्रेशर मार दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो पाइप है वो बिल्कुल फ्री है। तो अब हम इसके बोल्ट टाइट कर देते हैं, बेंजो बोल्ट को, और उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ से इसको ले जाना पाइप को, क्योंकि पाइप बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये पाइप गाइस यहाँ से जाएगा, जो इसकी क्लैंप के जो ब्रैकेट बने हुए हैं उन्हीं में लगाना है इसको। इसके बाद जो इसकी टाइयाँ हैं, जो एबीएस, जो एबीएस की जो वायर है हमारी, उसके ब्रैकेट जो छोटे छोटे से जो क्लैंप होते हैं वो टूटी हुई हैं, तो आप इसमें इसको टाई कर सकते हो। और ये देखिए आगे इसका जो बेंजो बोल्ट दूसरा है, उसको भी मैंने खोल दिया था और एबीएस बंद कर दिया था। अब इसको साफ करके दोबारा हमें ये पाइप लगा देना है। देखिएगा, पाइप बिल्कुल एक्यूरेट आया है, जैसा आपका ओरिजिनल पाइप होता है सेम वही पाइप है, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये मैंने बाहर से मंगवाया है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी है। वैसे जेन्युइन ही पाइप है, जिस बंदे से लिया भाई उसने बोला है जेन्युइन की गारंटी है, तभी मैंने ये पाइप लिया उससे। अब इसको फिट कर देना, नट टाइट कर देना, उसके बाद हम इसका प्रेशर बनाएंगे। इसको टाइट करने, तो गाइस मैं इसका जो मास्टर सिलेंडर लगा होता है, जो इसका ढक्कन खोलता हूँ मैं, लीवर वाला, इसमें देखिए ऑयल सारा ख़त्म हुआ पड़ा है। अब हम इसमें नया ऑयल डालेंगे। गाइस, आपको इसमें .4 यूज़ करना है, वैसे अगर .3 भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट एबीएस के लिए .4 होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल खाली है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे .4। उसके बाद इसका प्रेशर एक बार देखते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर बनाना थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा नहीं थोड़ा हार्ड है, बट पहले जो सामान हमने इसका निकाला है वो पहले फिट करेंगे, और बाइक को स्टार्ट करके इसका प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि जो एबीएस है उसके जो टोनर व्हील होते हैं वो जो सेंस करते हैं कि बाइक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी वो काम करेंगे, खड़ी बाइक में एबीएस काम नहीं करते। तो पहले हम इसका जो सामान है सारा लगा लेते हैं, जो जो खोला था, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसके जो ब्रेक का प्रेशर है वो बनाएंगे। ये देखिए बाइक स्टार्ट हो गई अब, तो ये देखिए हम इस तरीके से इसको, जो इसका जो लीवर है उसको दबाएंगे,
और गाइस इसमें बबल्स आने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके बबल्स आते रहेंगे समझ लो कि आपका जो जो मास्टर सिलेंडर है वो अपना सही काम कर रहा है। क्योंकि एबीएस के जो ब्रेक होते हैं इनमें थोड़ा जो ऑयल है वो ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि पहले जो ऑयल है मॉड्यूलेटर में जाता है, उसके बाद जो प्रेशर बनता है वो हमारा ब्रेक के लिए बनता है। ये देखिए जो बाइक की स्पीड है कम से कम 10 से वैसे 5 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 5 की स्पीड पे होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरा गियर डाल के इसको 15 की स्पीड पे ब्रेक बना सकते हैं। ये देखिए कैसे इसका वो बन रहा है। तो धीरे धीरे आप जब ऐसे पंपिंग करोगे तो आपके ब्रेक बन जाएंगे। और इसकी एयर भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये देखिए पहले आपको इसका जो ब्रेक का जो लीवर वो दबाना, तभी ये निकालनी है। अगर आपका ऑयल आ जाएगा तो यहाँ से वो एकदम पिचकारी आएगी उसमें से, यानी कि प्रेशर तेज आएगा, बट अभी ऑयल आया नहीं है यहाँ पे, तो फिर भी इसकी एयर हमें निकालनी पड़ती है। और अभी हम थोड़े पंप और मारेंगे, यानी जो लीवर को और दबाएंगे तो इसका प्रेशर आ जाएगा। ये देखिए अब इसका प्रेशर आ गया है। ये देखिए ऐसे इसका एयर निकलेगी, लेकिन आपको रेगुलर नहीं निकालनी है, आप इसमें एक पाइप भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर अब बन गया है। तो गाइज हमारी बाइक का प्रेशर अब बन गया है, मैं आपको लीवर दबा के दिखाता हूँ। ये देखिए अब पूरा दब नहीं रहा है, और एबीएस का जो प्रेशर है फ्रंट ब्रेक का, उसका काम पूरा हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डाल के इसको बंद कर देंगे, और फिर ब्रेक मार के देखेंगे, पहिया घुमा के कि ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं। और गाइज आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ जिस भी पार्ट पे जो आपका पेंटेड पार्ट है, चाहे वो आपके लीवर हो, चाहे वो आपकी ऑयल की डब्बी हो, या फिर आपके मडगार्ड हो, जहाँ भी ये जो ब्रेक फ्लड है वो गिर जाए तो आपको उसे गीले कपड़े से साफ़ कर देना, नहीं तो वो आपका पेंट ख़राब कर सकता है। ये देखिए ब्रेक इसमें अब लग रहे हैं, तो अभी अच्छे काम कर रहे हैं ब्रेक। ये देखिए तो गाइज हमारी जो बाइक है उसका प्रेशर बन गया, ब्रेक भी अच्छे से काम करते हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ।